सबसे पहले बात श्रद्धा मर्डर केस की जिसमें रोजाना जितने खुलासे हो रहे हैं उसको देखकर हर कोई हैरान है मुंबई टू दिल्ली तक का यह सफर अंतहीन है न जाने इस मर्डर के पीछे कितने राज हैं न जाने आफ्ताब के काले स्याह पन्नों पर कितने धब्बे लगे हुए हैं अब इस मामले में श्रद्धा की दो साल पुरानी एक चिट्ठी सामने आई है जिससे बड़ा खुलासा हुआ है वहीं इस केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है आरोपी आफताब ने 18 मई को श्रद्धा के मर्डर के बाद आरी की तीन ब्लेड के अलावा हथौड़ा और 250 ग्राम कील भी खरीदे थे ये पूरा अपडेट अब तक इस मामले में श्रद्धा मर्डर केस में सामने आ पाया है इन दोनों खबरों के लिए और ज्यादा अपडेट का ले चलते हमारे सहयोगी जो हैं उनके पास मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश त्रिवेदी और दिल्ली से प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं क्योंकि ये पूरा जो मर्डर केस है जैसा हमने आपको बताया दिल्ली टू मुंबई दोनों ही शहरों में इसके तार बिछे हुए हैं राकेश सबसे पहले आपसे जानना और समझना जरूरी है कि जितना यह केस अब तक समझ में आया है उसके मुताबिक श्रद्धा वॉकर को पहले ही डर था कि हो सकता है आफताब उसको कोई नुकसान पहुंचाए और इस बाबत उसने एक चिट्ठी भी वो भी दो साल पहले लिखी थी जिसमें बहुत ही गंभीर खुलासे किए गए हैं आपसे पहले समझना चाहेंगे ये जो चिट्ठी अब बरामद की गई है श्रद्धा वॉकर की उसमें क्या कुछ है देखिए ये चिट्ठी आज ही के दिन दो साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा वालकर ने तुलिंच पुलिस स्टेशन को दी थी ये तुलिंच पुलिस स्टेशन के में ही शद्दा रहती थी और वो उस समय रिलेशनशिप में रहती थी आफताब के साथ उस सर शिकायत में उसने ये लिखा और ये खुलासा किया कि लगातार आफ्ताब उसे धमका रहा है उसे ब्लैकमेल कर रहा है उसे जान से मारने की कोशिश भी की उसे गला घोटने की कोशिश की और ये धमकी दी कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और उसने ये भी बताया कि हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं, लेकिन के परिवार पर सामने और ये बताया कि मैं ये शिकायत वापस लेना चाहती हूँ क्योंकि आफ्ताब के माता पिता ने मध्यस्थता की है इसलिए अब मेरी कोई शिकायत नहीं है लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर आखिर 26 दिन तक महाराष्ट्र पुलिस खासतौर से तो ज पुलिस हाथ पर हाथ धगे क्यों बैठी गई 26 दिनों तक उन्होंने ना इस शिकायत को एफआईआर में कन्वर्ट किया ना उन्होंने आफताब का बयान दर्ज किया ना आफताब ने कोई कार्रवाई की अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस ने एसओपी अपनी फॉलो क्यों नहीं की इतना ही नहीं इसके बाद जब सितंबर अक्टूबर के महीने में श्रद्धा के पिता माणिकपुर पुलिस स्टेशन में जाते हैं ये वसई इलाके का एक और पुलिस स्टेशन है वहां पर जब वो मिसिंग की शिकायत देते हैं तो मिसिंग की कंप्लेट रजिस्टर करने में भी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त माणिकपुर पुलिस को लगता है क्या उन्हें

शुरुआत में तो महाराष्ट्र पुलिस खासतौर से वसई पुलिस और माणिकपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपाई नहीं जो थक गई थी लेकिन अब इसने उनकी पोल खोल दी है लेकिन दूसरी तरफ आप इसे जो ये चिट्ठी है इसे आप श्रद्धा की गवाही के तौर पर देख सकते हैं कहते हैं कि ये एक लॉ ऑफ जस्टिस है ये नियति है जिसमें फिलहाल जो कुछ भी अठारह मई की रात हुआ वो सिर्फ आफ्ताब और श्रद्धा को पता था लेकिन इससे दो साल पहले आफ्ताब ने के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी है श्रद्धा ने उसने ये बताया कि उसे जिस बात का डल था ठीक उसी मोड़ के तहत आफ्ताब ने श्रद्धा की कत्ल को अंजाम दिया तो अपने आप में जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा सबूत है आफ्ताब के खिलाफ एक वॉटर टाइट केस बनाने में उन्हें इसमें काफी मदद मिलेगी और ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से आफ्ताब जो है लगातार इससे पहले भी श्रद्धा के ऊपर जुल्म करते आया है उस पर सितम्ब करते आया है और जिस तरीके से उसने टुकड़े टुकड़े करने की बात जो कही थी धमकी दी थी उसने आखिर वो कल दिखाया इसी बिल्कुल राकेश और ये जो चिट्ठी जिसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दो साल पहले और जैसा राकेश आपने बताया आज ही के दिन तेईस नवंबर की दो साल पहले की चिट्ठी मतलब दो हजार बीस तेईस दो हजार बीस की चिट्ठी जो कि अब जाकर उजागर हुई है मुंबई पुलिस ने क्यों इस निशानदेही पर नहीं किया उस समय कोई एक्शन नहीं लिया तो इतना बड़ा हादसा होते होते टल सकता